कंडीशन क्लास लेवल सब्जेक्ट मैथ्स, तो अपन ने पढ़ लिया था फिक्स वाइज अपन ने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2। तो उसके आगे अपन थोड़ा सा ग्राफ ग्राफ देख रहे थे, तो अपन ने उस दिन ग्राफ देखे थे लेकिन कुछ रेंजेज डोमेन्स की बात नहीं कर पाया था, तो आज अपना उसको कर लेते हैं बात। तो पहला तो देखिए जो लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन, क्या लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू x, मतलब y क्या है, y अपना f(x) है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है x के बराबर है, उसकी वैल्यू x के बराबर है। तो y इक्वल टू x के बराबर कुछ ऐसा, y इक्वल टू x के बराबर बिल्कुल सेम आइडिया को हमने बना रहा। इसमें लिखा है, मैंने लिखा है डोमेन, लिखा क्या लिखा है डोमेन, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं डोमेन, और वाई की वैल्यू को हम कहते हैं रेंज। वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं, को डोमेन नहीं कहते हैं, को डोमेन को प्रोवाइड करते हैं अपन, रेंज निकालते हैं अपन, क्या करते हैं रेंज निकालते हैं। तो रेंज देखिए अपन ने इसमें लिखी है ना कि एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है, तो वाई की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन जिसमें वाई इक्वल्स टू एक्स होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, और रेंज की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाती है। ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, अपना y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी तो प्लस इंफिनिटी जाएगी, वहीं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी माइनस इंफिनिटी तो आगे प्लस इंफिनिटी जाएगी। तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और y की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये अपना आइडेंटिटी फंक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगला ग्राफ देखिए, अगला ग्राफ देखिएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ देख लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब उधर देखिए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू मुझे वाई की एक्स की हर वैल्यू पर, एक्स की हर वैल्यू पर उस फंक्शन में मुझे कॉन्स्टेंट वैल्यू के वैल्यू, मान लीजिए के पॉइंट ये कोई कॉन्स्टेंट है के, तो हमेशा मुझे इस ग्राफ को कहना होगा, इस ग्राफ को लिखता हूं वाई इज इक्वल टू के या फिर यू लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। तो देखिए, तो देखिए, तो देखिए अच्छे से कि एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, लेकिन लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो सिर्फ एक पॉइंट पर रह गई। तो इसकी जो डोमेन है, जो डोमेन है, जो डोमेन है, डोमेन एंड दिस इज रेंज, जो उसका डोमेन है वो तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन जो रेंज है, जो रेंज है वो सिर्फ एक वैल्यू पर है जो कि वैल्यू है के। तो हर जगह पर f ऑफ 3 की वैल्यू भी के ही है, f ऑफ 1 की वैल्यू भी के ही है, f ऑफ 2 की वैल्यू भी के ही है, तो ये माइनस प्लस पॉजिटिव के नेगेटिव के बीच में होता है। तो डोमेन की है माइनस प्लस प्लस इंफिनिटी और रेंज की है ओनली के। अब और सवाल आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं, देखिए मॉड्यूलस ग्राफ है। अपन ने मॉड्यूलस क्लास का लिखी, मॉड्यूलस से जब भी जो भी चीज निकलती है बाहर वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं इस विंडो से, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया कि ये नेगेटिव का होगा, ये जीरो को उस तरफ नेगेटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव का नहीं लिया, माइनस का इस्तेमाल कर लिया, तो माइनस है एक्स ग्रेटर देन जीरो पर और एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर। तो इससे इसका ग्राफ को आप समझ लेंगे, इसका वाई इक्वल्स
to x, x greater than 0 पर, because y is equal to x, comma x greater than 0 पर, greater than equal to 0 पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड हुआ है, और फिर y is equal to minus x, so it's minus x. आपने लाइन कवर करना ऑलरेडी, लीनियर मेजरिंग टू वेरिएबल तो सीख रखा है. ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है. तो इस ग्राफ में दिख रहा है कि x की वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है. x की वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है, लेकिन y की वैल्यू यहां जीरो से स्टार्ट होती है. इसलिए जो भी ग्राफ नहीं है तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, यहां जीरो है, जीरो से स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन ऊपर की तरफ प्लस इंफिनिटी जा रही है. अपने पहली बात कर ली मॉडुलस नेगेटिव नहीं आता है, मॉडुलस से बाहर आता है कभी नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा. तो जीरो इंक्लूड कर रहा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, पर इस तरफ इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रखते हैं, ध्यान रखिएगा इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रखते हैं. हाँ, यहां पर क्या ओनली वैल्यू, सिर्फ वैल्यू लेनी हो, कोई इंटरवल नहीं लेना हो, तो हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? कर्ली ब्रेसेस. इंटरवल्स के लिए ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सिंगल ब्रैकेट के लिए कर्ली ब्रेसेस. तो यहां पर जीरो इंक्लूडेड है तो मैंने ऐसा लिख दिया. तो ये अपना एक स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया मॉड्यूलस का. अब वैसे भी अपन को और अगले ग्राफ देखने हैं तो आगे बढ़ते हैं. तो अपन आगे बढ़ते हैं, उसमें अगला फंक्शन देखते हैं सिंगम फंक्शन. तो सिंगम फंक्शन की बात कर लेते हैं. सिंगम फंक्शन को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x. तो मोड के हमको पता है कि मोड ऑफ x को पता है कि इसके बाद नेगेटिव नहीं आता है, तो ये नेगेटिव क्यों होगा? x लेस देन 0 पे नेगेटिव होगा. तो x लेस देन 0 0 पे शिफ्ट करना है, 0 की बात करनी है. तो 0 के इस तरफ 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स की नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस x हो जाएगा अपॉन माइनस x अपॉन x जो ऑलवेज पॉजिटिव में चलते रहेगा x लेस देन 0 पर. तो माइनस x डिवाइडेड बाय x, x लेस देन 0, x से x कटा माइनस 1 बाहर. तो दिस इज माइनस 1. फिर वहीं आप जीरो की बात करते हैं तो ये जीरो को ऑलरेडी डिफाइन होता है, पर इससे पहले जीरो पर डिफाइन नहीं आता है, लेकिन सिंगम फंक्शन x प्लस जीरो पर जीरो होता ही होता है, होता है ये हमने डिफाइन कर दिया है. सिंगम फंक्शन वालों ने जब सिंगम फंक्शन बना था तो उसने डिफाइन कर दिया कि x प्लस जीरो पर जीरो होता है. और अब x ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं, ग्रेटर देन जीरो पर ये ऑलवेज पॉजिटिव भी आएगा, तो यहां पर प्लस x ही रहने वाला है, प्लस ही रहने वाला है, प्लस 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 ही रहने वाला है, प्लस x x पर x हो जाएगा, यहां पर प्लस तो x लिखूंगा, इसको काटा इसको काटा वन हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो पर वन आएगा. तो इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ आप देख लीजिए, थोड़ा सा दिस इज व्हाट जीरो, दिस इज व्हाट माइनस वन, दिस इज व्हाट प्लस. तो इस ग्राफ ये ग्राफ कैसा बनता है? यहां पर ओपन करना है, यहां पर ओपन होना है, ठीक है. तो इसको देखते हुए बोल सकते हैं कि जो x की जो लिमिट है ये y से ज्यादा है, और ये y से ज्यादा है. उसको देखते हुए कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन जो y की वैल्यू है इसे तीन पॉइंट्स पर, या तो y इक्वल टू 1 होगा आंसर, या तो y इक्वल टू 0 आएगा आंसर, या तो y इक्वल टू माइनस 1 आएगा. मतलब डोमेन जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, और y में सिर्फ तीन वैल्यू है, इसमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके इसमें जिस वैल्यू से नंबर लिखे हैं तो माइनस 1 0 एंड 1. दिस इज व्हाट ग्राफ इज शोइंग. तो ये था अपना सिग्नम फंक्शन का ग्राफ. अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन.
अब ये डिग्री पर देख लीजिए, बस थोड़ा सा अपन ने ऑलरेडी एक अगर तो ये कुछ लाभ होता है इसका। अच्छा लाभ देखिए, इसको लाभ सुनिए, ये कहना चाह रहा है कि वन जीरो से लेके वन तक में जीरो ही आएगा और वन पर ओपन है, वही वन पर जैसे एक्स की वैल्यू वन होती है, जैसे एक्स की वैल्यू वन होती है तो वाई की वैल्यू भी बन जाती है, वाई की वैल्यू बन जाती है, यहां क्लोज है तो क्लोज आया है तो वाई की वैल्यू बन जाती है
ठीक है, तो एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन उसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, वहीं से कह दिया एफ माइनस जी एक्स है तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, फिर किसी ने लिख दिया एफ जी इंटू एक्स, तो कहना चाह रहा है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, किसी ने अगर लिख दिया के के इज फॉर कॉन्स्टेंट के एफ ऑफ एक्स के एफ इंटू एक्स, तो कहना चाह रहा है के इंटू एफ ऑफ एक्स, फिर किसी ने दिया एफ बाय जी ऑफ एक्स, तो कहना चाह रहा है एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है याद क्लियर अगर ए इज स्केलर नंबर पर ए इज स्केलर कांस्टेंट, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है याद क्लियर अगर एफ एंड जी दो फंक्शन है एक्स बिलोंग्स टू आर जिसकी रेंज है तो एफ प्लस जी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कह रहा है एफ माइनस टू दस माइनस f माइनस जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, f इंटू जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर k इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब k इंटू एफ ऑफ एक्स, फिर f बाय जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो अभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि 1 बाय जीरो मतलब k बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इज नॉट डिफाइंड, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे अपना और इससे पर अपना आंसर निकालेंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिएगा, इस तो अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं रेस्ट 2.3 के, तो जैसे कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन सिंपल सा एक क्वेश्चन है तो इससे सॉल्व करने के लिए तो आपको एक क्वेश्चन फिर बताता हूँ जिससे आप रेस्ट 2.3 पूरी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, तो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स हमने फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमने दिया है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, तो इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें करना है ये फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा एफ माइनस जी ऑफ एक्स एफ जी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये चार चीज फाइंड करनी है इसके अंदर, ये चार चीज फाइंड करने के लिए इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले के पहले का फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला मतलब मैं ये वाला सॉल्वर दिखाऊंगा आपको और एक ये वाला सॉल्वर दिखाऊंगा, ये आपको करना है ये आपके लिए होल्ड रहेगा या आपको सॉल्व करना है, ये और ये प्रश्न फर्स्ट वाला ऐसे कर रहा हूं ये सिंपल है तो ये मिस्ली करा रहा हूं और ये थोड़ा सा टिपिकल है तो इसलिए इसको करा रहा हूं, तो पहला प्रश्न है एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी में क्या बताया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो सीधा हम लिख लेंगे यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू विच इज व्हाट टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट ओपन कर लीजिए दिस इज व्हाट एफ प्लस जी ऑफ अपना हो गया, अब अपन सीधा एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स देखते हैं एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स
इसकी प्रॉपर्टी बताया हमको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, मैंने यहां लिखा था जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स वैल्यू लिखेंगे टू एक्स प्लस। ये दिया हुआ है, जीरो पे क्या होगा माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस टू
तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 व्हिच इज y इज इक्वल टू 2। अब देखिए इस ग्राफ को, इस ग्राफ का नीचे देखिए समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू है, जो वैल्यू है ये अब हमेशा बढ़ेगी। अब हमेशा ये जो ग्राफ है, सॉरी अब मतलब हमेशा ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 2 पर जो ग्राफ है, हम देखिए एक बार अपन को प्लस 2 इसको इस ग्राफ को पुट करते हैं, इस ग्राफ को प्लेस करते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, 0 पे 0 रखने पे माइनस 3 2 आ जाएगा। तो यहां पर नंबर 2 होगा, यहां पर नंबर 2 होगा, और अब ये 0 कब आएगा, ये 0 को 3 0 को आएगा, y 0 को आएगा निकालते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करा माइनस 3x प्लस 2, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3x x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 बाय 3 पर x इक्वल टू 2 बाय 3 पर मतलब 1 से लेकर ये 1 है, तो यहां पर मैं 2 बाय 3 होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ है, तो ये ग्राफ यहां पर नहीं होगा, ये ग्राफ यहां पर नहीं होगा, ये 2 बाय 3 ये 1। अब देखिए ये जो ये है यहां पर 2 आया है, और 2 के बाद ये जो ग्राफ है ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो रेंज आई है, रेंज आई है वो आई है माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, में 2 इंक्लूडेड, तो में 2 इंक्लूडेड है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब यहां पर ग्राफ ओपन रहने वाला है, तो ये भी ओपन में आएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक की रेंज बनी है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 2.3 के जिसमें आपको ग्राफ बना बनाकर, ग्राफ देख देखकर रेंज निकालनी पड़ेगी, जिसके अपन ने ऐसे ड्रॉ कर दिया। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बराबर टाइप बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर का अपोजिट साइड बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच।